हाँ देखिए, ये गर्मा गर्म दूसरी घान भी हमारी निकल गई है, और पालक की पकौड़ी जो कि आटे और बेसन में हमने बनाया है, इसका सेवन एक बार करिए बनाकर, फिर देखिए कि ये पकौड़ा लाजवाब बना है या नहीं, क्योंकि इसमें क्या चीज़ नहीं पड़ी है। आइए अब हम चटनी के साथ में इसको सर्व करते हैं। ये देखिए लाल चटनी है। नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपको एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम पालक की पकौड़ी बनाते हैं। उसके पहले हम आपको हैप्पी हैप्पी बसंत पंचमी की बधाई देते हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार को, और हैप्पी वैलेंटाइन डे आपके लिए भी। चलिए आगे, हम पालक की पकौड़ी बनाने के लिए इसका क्या प्रोसेस तैयार किया है। जनरली हम तो बेसन में ही पालक की पकौड़ी बनाते हैं, पर आज प्योर पालक की पकौड़ी बनाएंगे, प्याज और आलू बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इसके लिए हम देखिए, एक कलछुल, ये नाप हम बता रहे हैं क्योंकि एक गड्डी मैंने पालक धोकर काटकर पत्ती पत्ती लिया है, डंठल बिल्कुल नहीं लिया है। ये एक कलछुल मैंने कटोरी मान लीजिए, या कलछुल जिससे भी है, और हम इसी बेसन में एक कलछुल ये अपने आटा गेहूं का, जो कि ये गेहूं का आटा होता है, तो बेसन तो जानते हैं गरिष्ठ होता है, इसलिए मैंने दोनों चीज को डालकर बनाने के लिए ये प्रोसेस बनाया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, देखिए बेसन आटा तो हो गया, इसमें स्वादानुसार हम हल्दी पाउडर डालेंगे। आज सरस्वती माता का दिन है तो बेसन का हलवा का भोग भी लगाया है, अब पकौड़ी भी बनाने जा रहे हैं तो बेसन तो जरूरी बनता है, और इसमें हम क्रश किया हुआ अदरक भी डालेंगे। ये देखिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने क्रश कर लिया है, और 2 से 4 5 आपको जितनी खानी हो, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही काटी है, बाद में भी डालेंगे, और हरी धनिया की पत्ती, ये हम अपना डाल के जो कुछ भी इसमें हम डाल रहे हैं, ये अभी हम फेट कर पहले रखेंगे। इसमें पालक कभी मत डालिएगा, ये भूल मत करिएगा। और सबसे खास बात है हमारा चिली फ्लेक्स, जो कि चिली फ्लेक्स से टेस्ट बहुत ही अच्छा पकौड़ी में क्रिस्पी आता है, तो हम ये स्वादानुसार इसमें चिली रेड चिली फ्लेक्स भी डाल रहे हैं, और साथ में अजवाइन भी क्रश करके ये डालकर, क्योंकि ये डालेंगे तो ये हाजमा के लिए और पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो क्रश करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और साथ में थोड़ा सा हम जीरा भी डालेंगे स्वादानुसार, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, अब स्वादानुसार हम नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि नमक हल्का सा पालक के पत्तों में भी होता है। ये देखिए ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे, और अब हम इसको फेटने के लिए थोड़ा सा पानी लिया है, घिस कर लिया है, और इससे गाढ़ा सा ही हम फेटेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको सूखा या गीला बहुत नहीं करना है, इसलिए ये तरीका अपनाएंगे तो ये पकौड़ी आपकी हमेशा क्रिस्पी बनेगी। और प्याज बिल्कुल न डालिए, आज पालक की हम बना रहे हैं तो आप पालक की इसी तरह बनाइएगा। और आटा और बेसन में जब बनाते हैं तो इसका अलग ही टेस्ट आता है, हमने जब भी बेसन का बनाया है तो जितना खाया जाता है आटे के साथ में, उतना बेसन के साथ में थोड़ा सा कम खाते हैं, पर क्या करें, समय ऐसा कहता है कि नहीं बेसन की ही पकौड़ी बनाओ। देखिए इसको हम बस इतना ही गूथेंगे, क्योंकि हमें पालक जो धुल कर रखा है उसमें भी बहुत नमी होती है, और इसको हम डालकर अच्छी तरह के फेट कर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इससे क्या होता है कि जो कुछ भी हमने इसमें डाला है सब मिश्रण अच्छे से मिलकर तैयार हो रहा है, और रेड चिली फ्लेक्स बहुत अच्छी से दिख रही है। अब हम देखिए आगे पालक डालते हैं। चलिए कढ़ाई की तरफ, फिर हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, और जब तक कढ़ाई में तेल डालेंगे, गरम करेंगे, सरसों के तेल में पकौड़ी बनाते हैं, तो हम आपको, और इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ये देख रहे हैं आप लेयर जो, ये इसी लेयर के हिसाब से आप बनाइएगा तो ये आपका पालक की पकौड़ी बहुत ही अच्छी बहुत टेस्टी बनेगी। चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल का अलग ही एक टेस्ट आता है, लोग बनाते हैं रिफाइंड में भी, ऑली ऑयल में भी, जैसा आपको पसंद हो। अब ये जब तक गर्म होगा, जब तक हमारा बेसन और पालक बिल्कुल रेडी है, जो कि हम आपके सामने रखते हैं, अब इसी में हम पालक को डालेंगे, और डालने के बाद ज़्यादा इसको मसलना नहीं है, इसकी एक खासियत है, ये देखिए
बस इसको मिलाने तक ही हम करते हैं। और बड़े टुकड़ों में मैंने काट कर इसीलिए रखा है, इसको बहुत बारीक भी नहीं काटते हैं। पत्ते वाली तो अलग बनती है, जो कि हम पत्तों से बनाते हैं लपेट लपेट कर। इसमें बेसन अच्छी तरीके से हमारा मिल जाएगा। इसको हमको ये देखिए, इसीलिए ये फेट कर रखा जाता है। और हम अगर फेट कर नहीं रखते और बेसन में पानी डालते तो ये हमारा पालक का तो कचूमर निकल जाता है। तो इसलिए लिक्विड रखने के लिए हमको पहले से ही बेसन को फेटना होता है। और इसकी लेयर आपको देखने में समझ में आ रही होगी कि ये बेसन की पकौड़ी हो या आटे बेसन की पकौड़ी हो, वो भी पालक की हो, बहुत ही अच्छी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। बस इतना ही। अब देखिए सब लेयर अच्छे से हमारे पूरे पालक को लपेट लिया है। देखिए नीचे भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। तो इतना ही हमें करना था। अब आप खुचना भी घुमाएंगे तो ये लिक्विड हो गया है बेसन आटा हमारा। अब पालक को हम अच्छी तरीके से में घोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं कढ़ाई में इसको डालने के लिए। बहुत अच्छे से पकौड़े बनाइए, छोटे बड़े ये आप अपने अनुसार बनाइएगा। अब आँच तेज हो जाए। देखिए फुल आँच है, आप डालते रहेंगे आपका पकौड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से तलेगा। बनाने में भी आसान होता है और खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो लाल हरी मिर्च दिख रही है, इसका टेस्ट तो हमारे छनने के बाद ही बताएगा कि बढ़िया पकौड़े बनकर तैयार हो गए। इसको बहुत लोग, अगर नॉन स्टिक की तवा पे फ्राई करना है, सेकना नहीं है, तो उसको छोटे छोटे से हम टिक्की जैसे बना लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बनता है। अब देखिए इसमें हमारा पकौड़ा पूरा पालक दिखेगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको, और देसी ये पालक है, देसी पालक बनाने से हमारा बहुत अच्छे से। एक और डाल देते हैं फिर हम इसको पलटेंगे। इसको थोड़ा सा समय लगेगा, एकदम समोसे की तरह बिल्कुल धीमी आंच में जब मैंने डाला है और फुल आंच कर दिया है, तो ये देख रहे हैं आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नीचे से अंदर तक पक जाएगा। ये अभी हम पलट नहीं रहे हैं क्योंकि तो अच्छी तरीके से ये गर्म हो जाए। ये देखिए गर्म होते ही तो ये छोड़ देता है, जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे हम इसको काट लेंगे। सबसे पहले हम पलट कर दिखाते हैं, तेल पाते ही तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गरम पकौड़े हमारे क्रिस्पी तले जाएंगे। ये देखिए अब मैं सबको इसी तरह पकाऊंगी, फिर आपको पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी पकौड़े, टेस्टी पकौड़े अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो सभी को हम पलट लेते हैं एक बार। उसके बाद एक पकौड़े और साइड का, इसको भी पलट लेते हैं। अब आराम से इसको पकने दीजिए, इसमें हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक और देखिए बीच में भी रह गया है, पलटा। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करते हैं, इस पकौड़े को बहुत अच्छे से क्रिस्प होने तक हमको सेकना है। झटपट पकौड़े ये बनते हैं। बस पालक आपके छांट कर, और देसी पालक लेंगी तो उसके पत्ते बहुत अच्छे और बहुत छोटे पत्ते होते हैं।
अब मैं दोबारा फिर से पलटूंगी इसको अपने साइड में। बहुत ही बेहतरीन पकौड़े बनकर हमारे तैयार हो चले हैं। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ कभी भी इसको बनाइए और पूरे परिवार के साथ मिल बैठकर खाइए। अब पलटने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सिकाई जब हो जाती है तो अपने आप से ही पकौड़े सभी पलट जाते हैं। वाह, देखिए कलर आप खुद ही देख रहे होंगे कितना अच्छा सा। ये जरा सा भी आप, एक कलछुल मैंने डाला है इसमें आटा, आप डाल के एक बार बनाइए तो बार बार आपको बनाने का और खाने का मन करेगा। क्योंकि बेसन तो हम खाते ही हैं, कढ़ी में तो हम बेसन जब बनाते हैं तो हम उसमें आटा तो नहीं डालते हैं, पर जहाँ हम डाल सकते हैं वहाँ हम यूज करने के लिए आटे का सजेशन आपको दे रहे हैं। एक बार आप आटे में बनाकर देखिए फिर आप बताइएगा कि पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बन रहा है। चलिए हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको निकालती हूँ। देखिए अब इसको सर्व करती हूँ। लाल चटनी, हरी चटनी या अचार के साथ में जैसे भी आपको खाना हो आप इसका पूरा भरपूर आनंद लीजिए। चलिए जब तक हम दूसरा भी घांट डाल देते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं है इसलिए मैंने एक गड्ढे का बनाया है। अभी आँच को कम कर देते हैं और डालने के बाद ही हम इसको तेज कर देंगे क्योंकि तेल हमारा तेज हो गया है। अच्छी तरीके से ये लास्ट पकौड़ी निकाल रखी है। चल अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चला है। चलिए अब इसको भी हम लगा, देखिए ये गर्मा गर्म दूसरी घान भी हमारी निकल गई है। और पालक की पकौड़ी जो कि आटे और बेसन में हमने बनाया है, इसका सेवन एक बार करिए बनाकर, फिर देखिए कि ये पकौड़ा लाजवाब बना है या नहीं, क्योंकि इसमें क्या चीज़ नहीं पड़ी है। आइए अब हम चटनी के साथ में इसको सर्व करते हैं। ये देखिए लाल चटनी है और इसी तरह आप लोग हेल्दी घर का जो कि हम सेवन करते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं के आटे में पूरा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, पर हमने तो एक कटोरी, हाफ कटोरी बेसन हाफ कटोरी आटे का सेवन किया है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाइए और अपने परिवार के साथ मिल बैठ कर खाइए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू।